आपको वही बोल रही हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज टू टॉक ऑन दिस इश्यू एंड मेरा जो भी सबमिशन होगा जो भी है आई विल गिव इट टू द कमिटी बट आई एम नॉट ऑथराइज टू से एनीथिंग टू द मीडिया प्लीज। महाराष्ट्र शासनाच्या प्रायव्हेट गाडीवर लिहिलं होतं, कॅबिन सुद्धा तुम्ही मागणी केली होती। मी तेच सांगते, त्याच्यासाठी सरकारने जी काही कमिटी त्याच्यामध्ये नेमलेली आहे, मला वाटतं आपण सगळ्यांनी ते रिस्पेक्ट केलं पाहिजे त्या गोष्टीचा। अँड माझं जे काही सबमिशन असेल मी ते त्या कमिटीला नक्की देईल, मी त्या कमिटीला सांगेल। बट मी तुमच्याशी बोलायला किंवा आता मीडियामध्ये बोलायला मी त्या बाबतीमध्ये ऑथोराइज नाही आहे। जिस तरह से आरोप लगे हैं कि आपने आपने जिस तरह से वीआईपी डिमांड किया है, केबिन का डिमांड किया है, सारे आरोप जो डीएम लगाए हैं पुणे के, उसमें क्या है? मैं वही बोल रही हूँ, मेरा जो भी सबमिशन है उसके रिगार्ड में आई विल गिव इट टू द कमिटी। जो भी प्रोसीजर है आई विल फॉलो इट, आई विल गिव इट टू द कमिटी, बट राइट नाउ आई एम नॉट ऑथोराइज टू टॉक टू द मीडिया। मैडम कई तरह की कार्रवाइयां, कई तरह की कार्रवाइयां शुरू हुई है, आपके घर पर बुलडोजर भेजा गया, गाड़ी जब्त की कार्रवाई हो रही है, उसमें क्या कहेंगे? मैं वही बोल रही हूँ आपको, जो भी मेरा सबमिशन होगा इसके बारे में आई विल गिव इट टू द कमिटी, द ऑथोराइज कमिटी ऑफ द गवर्नमेंट, आई विल गिव इट टू द कमिटी एंड आई विल आंसर दैम। एंड जो भी होगा मैं कमिटी को सबमिट करूंगी, बट अभी मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे कुछ कहने के लिए आई एम नॉट ऑथोराइज्ड, द रूल्स डू नॉट परमिट मी, आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू से एनीथिंग। सवाल का यही जवाब क्यों आप दे रही हैं कि आप जो ये है वही उसी का जो आरोप है उस पे ही बात कर रही हैं? मैडम ये दो दिन आप यही रुकेंगे, जाएंगे।